और यहाँ पे करोड़ों का ट्रांजेक्शन पर डे का है। सदन में देना हो ड्राई फ्रूट से गया तो पूरा पैकिंग के साथ, और काफी नए नए जो चीजें होती हैं ना दवाइयों से रिलेटेड जो चीजें हैं। हिमाचल की सबसे बड़ी मंडी है, 200 वर्ष पुरानी मंडी है। कुछ चीजें बताइए हमको, दिखाइए क्या रेट क्या क्वालिटीज की है। यहाँ पे 700 रुपया काजू के हैं और 320 है आपका छुआड़ो के। चिरंजी के क्या रेट पड़ेंगे? हेलो गाइस, हर हर महादेव आप सभी को। और अभी मैं आ चुकी हूँ अपने वाराणसी शहर के गोला दीनानाथ मंडी में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो देखने के बाद आप 1-2 किलो तो जरूर ही वेट आपका बढ़ने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको लेके आई हूँ ड्राई फ्रूट्स की मंडी में। फ्रेंड्स, ये ड्राई फ्रूट की मंडी है, मसालों की मंडी है, और यहाँ कई सारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ भी आपको मिल जाएंगी। तो आइए आपको दिखाते हैं, ये ड्राई फ्रूट की मंडी होलसेल मार्केट है, तो ये मार्केट कैसी लगती है। और ये मार्केट जो है ये आपका है वाराणसी के गोला दीनानाथ। आइए जानते हैं और आपको भी दिखाते हैं, यही मार्केट पूरा एक्सप्लोर करवाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे पूरा ही मसाले लगे हुए हैं। यहाँ पर ये मेथी, मंगरेल, ज़ीरा और बड़ी इलायची, खड़ी हल्दी, सारे मसाले, ड्राई फ्रूट्स। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हम एक शॉप पे रुके हुए हैं, थोड़ा सा यहाँ रेंज जानते हैं मसालों का और ड्राई फ्रूट्स वगैरह का। हमें क्या रेंज पड़ेंगे यहाँ पे, ये आपकी काजू की, किशमिश की? काजू वगैरह जैसा वैरायटी है, जैसा वैरायटी है वैसा रेट है। हाँ, ये स्टेज की काजू की क्या रेंज पड़ेंगे? इस समय 700 रुपए से स्टार्टिंग है और 800-900-1000 रुपए तक है काजू। अच्छा, ये आपके हाथ में क्या कहते हैं, अखरोट है जी? अखरोट में कई क्वालिटीज आती है ना? बहुत सारी क्वालिटी आती है। एक क्वालिटी है, एक क्वालिटी वो है, एक क्वालिटी अंदर है। अच्छा, और यहाँ पे दवाइयाँ मिलती है आयुर्वेदिक? वो सब अंदर मिलते हैं, जड़ी बूटियाँ जो हैं वो सब आपको अंदर। ड्राई फ्रूट्स के यहाँ पर दुकानें हैं? हाँ, ड्राई फ्रूट्स के दुकानें हैं, मसाले, मेवे, पूजा पाठ। अच्छा। और जड़ी बूटियाँ ये सब आपको यहाँ मिलेंगे। जितना आप अंदर एंटर करते जाएंगे आपको उतनी ज़्यादा वैरायटीज मिलती जाएगी। काजू तो है, खड़े काजू में है 700 रुपये किलो है, 750 रुपये किलो है, और टुकड़े काजू में है 600 रुपये किलो है, 650 रुपये किलो है। सब अलग अलग वैरायटी के अलग अलग थे। दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी सारे आपको मसाले वगैरह भी मिल जाएंगे। क्या है भैया? ये सोट है। तो सोट, सोट क्या? सोट लाल। सोट लाल, अच्छा। ये चिरौंजी के क्या रेट पड़ेंगे? 160 रुपये का 100 ग्राम। अच्छा, 160 रुपये का 100 ग्राम ये पड़ेगा। और 100 रुपये किलो में आपको ये पीली राई मिल जाएगी। और कुलगट्टे का हलवा बड़ा अच्छा लगता है, तो उसका दाम भी जान लेते हैं। हाँ हाँ, अच्छा, मतलब स्टार्टिंग कैसे होती है? 200 स्टार्टिंग है कोलगट्टे की। तो 200 से यहाँ पे स्टार्टिंग है कोलगट्टे की। ये 200 वाला ही है ना? ये आँख की रोशनी के लिए बहुत फायदेमंद चीज है। इसका हलवा खा लेंगी सब मीठा खाना भूल जाएंगी आप। बहुत टेस्टी इसका हलवा बनता है जी। आजकल लोगों को इस सब का ज्ञान नहीं है, हम लोग जानते हैं। मसाले रखे हुए हैं आपने? सोयाबीन है, मखाना है, हल्दी है, पचफोरन है, मूंगफली, और भी जड़ी बूटियाँ सब बिकती हैं जी। जड़ी बूटियाँ तो किस तरह की मिलती हैं? जैसे मतलब नॉर्मल चूहे चिरैता है, अश्वगंध है, सतावर है, सफ़ेद मुसली है, बिरारी कंद है, मखाने का बीज है, बहुत सी तमाम तरीके की जड़ी बूटियाँ है। पूजा पाठ के सामान बहुत से आते हैं, वो सब बिकता है। मसाले का पूरा अपने आप पूरा मंडी में मसाला बिकता है। हर प्रकार की जड़ी बूटी हमारे मंडी में उपलब्ध है। मतलब देश के कोने कोने से इस मंडी में जड़ी बूटियाँ आती हैं। पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी है, कह सकती है पूर्वांचल की सबसे बड़ी। पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी है, 200 वर्ष पुरानी मंडी है। 200 वर्ष पुरानी मंडी है कम से कम। हमारे यहाँ तो जब कोई बच्चा बच्चा होते तभी यहाँ महिलाएं आती हैं और यहाँ से सारे सामान ले जाती है ना? सही कहा मैंने? शादियाँ भी पड़ती हैं तब भी आप इधर आती हैं जी। कोई भी शुभ काम होगा आप इधर आएंगी मसाला में वाले ने। पूर्वांचल का सबसे बड़ा मंडी है हमारा, यहाँ हर प्रकार का सामान आपको मिल जाएगा। यहाँ से क्या मंडी है जी, जो मंडी आपकी है हो दवाई और सॉरी करें मसालों की और ड्राई फ्रूट्स की, ये क्या बाहर भी जाती हैं? बिल्कुल जाता है, बाहर से आता भी है, बाहर जाता भी है। ये कहाँ से आता है प्रमाल आपका? चीज़ों का आने का अलग अलग जगह है, जो चीज़ जहाँ पैदा होता है वहाँ से आता है जी। इंडिया के कोने से भी आता है, विदेशों से भी आता है, अफगानिस्तान से आता है। अच्छा जी, विदेश से भी आता है, लोकल भी। हमारे यहाँ 120 रुपये किलो का धनिया है। अच्छा। ये पनीर का फूल
पलीर का फूल बोले आपने ना, पलीर का फूल, पलीर का फूल डायबिटीज की दवा है ये जी। अच्छा अच्छा, शुगर का बिकता है आइटम ये, क्या है ये? शुगर का पाउडर है। अच्छा, इसके लिए लोग दूर दूर से आते हैं। अब हम लोग का प्योर हींग बिकता है, हींग दे दो भाई। प्योर अब हींग यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ की हींग आपको कहीं भी और नहीं मिलने वाली। हींग की मामले नंबर वन मार्केट ही आपको मिलने वाली है बुला दीनानाथ। ये प्योर हींग है, इसका रेट 36,000 रुपए किलो है। 36,000 रुपए किलो ये प्योर हींग है। अच्छा, ये ग्राम नंबर बताइएगा। ऐसे रगड़ लीजिए तो आते पूरा दिन में जी जी। ये सब क्वालिटी के लोग आते हैं हमारे गरम मसाले की क्वालिटी जो लौंग है, लौंग का डब्बा दो, लौंग की क्वालिटी है। ये लाल लाल लौंग है, बड़े दाने का लौंग है, ये देखिए नंबर वन क्वालिटी लग रही मेरे को ये। अच्छा, काले काले लौंग बिकते भाई यारों में, लाल तो मैंने पहली बार देख रहे हैं जी। क्वालिटी के लिए लाल परी क्वालिटी प्लस है, क्योंकि ये होलसेल ये मार्केट है तो यहाँ पर गोदाम भी काफी सारे हैं। ये देखिए आप, कहते हैं बबूल का फली। अच्छा, बबूल कीकर भी इसको कहते हैं, कीकर ये दवा में आता है। मैं वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह की ये दवाइयाँ दिखा रहे हैं आप लोगों को। आंवला है जी, सूखे आंवला, इसको लोग बालों में लगाते हैं, खाते हैं, ठंडा करता है। ये करेले का बिया है। अच्छा, ये भी शुगर की दवा में जाता है। ये कैसे भी यूज करते हैं? इसको लोग पाउडर बनाते हैं, पाउडर बना के इस्तेमाल करते हैं। तमाम की दवा यानी डायबिटीज की दवा, शुगर की दवा। अभी हमने आपको पाउडर देखा है, उसमें सब चीजें बनी है। ओके, तो मैं पूरा मिला के भी आप दे देंगे क्या हमको? अच्छा, लेकिन सीधा काई होता है ये। हाँ हाँ, ये तो बालों के लिए है ना, बालों के लिए सीधा काई इसको कहते हैं जी। सीधा खून साफ करता है, खून साफ करता है। अरे वाह भाई, देखिए जो चीजें आपको हरिद्वार पे नहीं मिलेगी वो चीजें आपको हमारे वाराणसी में ही मिल जाएगी, देश विदेश। क्या बात है। हाँ, ये तो रीठा है बालों धोपाल धोने के लिए। इससे कभी छोटा धोके देखिए, इजी काम करेगा। अरे वाह, जो काम नहीं करेगा वही करते हैं। जी जी, लोग धीरे धीरे बोलते जा रहे हैं शैम्पू वगैरह के समय पर, लेकिन उतने हार्मफुल भी हो रहे हैं बालों के लिए, जैसे कि हमारे बाल खुद ही झड़ रहे हैं। आजकल लोग मोटा अनाज पे जोर दे रहे हैं जी, तो कहते हैं रागी। अरे वाह, बहुत ही फायदे की चीज है, हर जगह उपलब्ध होगा ही नहीं इतना सा रागी, बहुत ताकत का चीज है जी जी। कहते हैं हर्रा, ये पेट के लिए होता है। हाँ, सिर्फ पाचक बनता है ना, पाचक बनता है इसका, हम बच्चों ने बहुत खाए हुए हैं। तमाम बहुत सी चीजें कौन कौन सा देखा। हाँ, देखिए गदर पुन्ना है, क्या है गदर पुन्ना करते हैं लोग, खोजते हुए आते हैं, हर जगह मिलेगा ही नहीं आपको गदर पुन्ना। क्या होता है बेस से? दवा में जाता है। अच्छा, ये सब दवाइयाँ दिखा रहे हैं भैया अभी आपको, देखिए काली बीड़ी इसको कहते हैं। देखिए दवा में जाता है, ये भी हर जगह मिलना नहीं है आपको। काली गिरी हमारे अचवानी वगैरह का सारे सामान मिलते हैं, जड़ी बूटियां मिलते हैं, पूजा पाठ का पूरा सामान अपने पास है। आपकी दुकान का नाम क्या है? मेरी दुकान का नाम कल्याणी इंटरप्राइजेज है और मेरा नाम सौरभ केसरी है। ते हैं ऑनलाइन की सुविधा भी, तो इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। तो प्लीज एक बार जरूर विजिट करिएगा इस दुकान पे, आने आइए, खुद देखिए कितनी सारी दवाइयाँ इनके पास रखी गई है, देखिए मन तो बिल्कुल खुश हो गया। तो अभी हम एक शॉप पे आए हुए हैं, इनका नाम क्या है शॉप का भैया? क्या जी? मोतीलाल शिव कुमार। अच्छा, और मुझे यहाँ पे काफी सारे मसाले, क्या है ये, दवाइयाँ है ना, जड़ी बूटियाँ मुझे दिख रही हैं। तो बताइए क्या चीजें हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रही है, आप इधर आ जाइए। अच्छा, ये पनीर फूल, ये गुलाब फूल, और ये सब क्या है, पत्ती जैसा? क्या क्या चाहिए आपको? हाँ, सनाई की पत्ती है, और ये क्या है? आंवला पाउडर है, और ये क्या है भैया? अमाल्दी, अम्मा हल्दी, यानी ये दवाइयों काम में आता होगा ना। और ये कागज की दवा क्या है? अर्जुन की छाल, मतलब यहाँ पूरी दवाइयों से रिलेटेड सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी। ये दुकान यहाँ पर लिखा हुआ नाम, यहाँ पे लिखा हुआ है केरा सूखा मेवा मसाला, आयुर्वेदिक यूनानी जड़ी बूटियाँ, यहाँ पे आपको हर तरह की जड़ी बूटियाँ दवाइयों की मिल जाने वाली हैं। आज के रेट में 10,000 आइटम तो सिर्फ समझ लिए मेवा मसाला जड़ी बूटी केवल बिकते हैं, और यहाँ पे करोड़ों का ट्रांजेक्शन पर डे का है। एक करोड़ का पर डे ट्रांजेक्शन है? करोड़ नहीं, ज्यादा होगा, एक करोड़। हाँ, पर डे यहाँ 5-7 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन होगा यहाँ पर। और पूर्वांचल के सारे व्यापारी, चाहे आधा बिहार हो, पटना गया सासाराम तक, इधर पूरा नेपाल बॉर्डर तक, इस तरफ लगभग कानपुर के पहले तक, इधर सीधी या बैढ़न तक, सारे व्यापारी आते हैं यहाँ पर, और सारे लोग यहाँ पर व्यापार करते हैं, सब बाबा की कृपा से हो रहा है। बोला दीनानाथ बाबा का,
जिनका भी जीर्णोद्धार हो रहा है, मंदिर की मरम्मत हो रही है, जिनकी आशीर्वाद से ये पूरा व्यापार यहाँ फल फूल रहा है, निर्माण हो रहा है। बाबा गोला दीनानाथ का डी है, गोला दीनानाथ के ये डी है। इस मंदिर का ये विशेषता है कि बाल स्वरूप में है, अशंभु है, और इन्हीं के नाम पर पूरा मंडी पड़ा है जी। और सब व्यापारी मिल के, यहाँ के जितने भी व्यापारी हैं, बाबा का मंदिर का पुनः निर्माण करवा रहे हैं। पत्थरों से, मार्बल का पत्थर है, कोटा से, राजस्थान से आ रहा है, वो पत्थर से निर्माण हो रहा है जिस तरह। बड़ी बड़ी गठरी यहाँ पर लगी हुई हैं, बोया रखी गई है एक्सपोर्ट करने के लिए। और यहाँ पर जो चीजें मिलती है ना, नंबर वन की चीजें मिलती है, नंबर एक जीरा 500 रुपए किलो है। अच्छा, और ये सौफ 300 रुपए किलो है। और ये तो खाने वाला है ना, महीन वाला। और ये पुस्तक दाना, अच्छा 300 रुपए किलो आपको ये मिल जाएगा। और ये क्या बोलते हैं इसको, खरबूजा का बिया 600 रुपए किलो है। सिरौंजी 1400, राई 200। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हैं, यहाँ पूरे यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी हैं, मसाले भी हैं, सारी चीज़ें आपको मैं दाम में बताती जा रही हूँ ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया लगता जाए कि चीज़ें के यहाँ पे दाम कितने कितने मिलने वाले हैं। आपकी मार्केट सस्ते है या नहीं है ये आप खुद ही समझ सकते हैं।